हेलो एंड वेलकम सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का। सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए भाई, लास्ट क्लास जो आपको समझाए थे समझ में आ गया ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बताया था, है ना? एक दो उस पर क्वेश्चन हमने करवाया था, समझ में आ गया होगा ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना भाई, वो है आइलर्स थ्योरम, ठीक है ना? आइलर्स थ्योरम काफ़ी बढ़िया थ्योरम है, मज़ेदार थ्योरम है, मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, मन लगा के बढ़िया से ध्यान से समझना है, और जो भी आ रहे हैं सब लोग आइए, अटेंडेंस लगा दीजिए आते ही, ठीक है? आते अटेंडेंस लगा दीजिए, कह दीजिए सर आ गए हैं, है ना, प्रेजेंट हो गए हैं। और फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फिर आइलर्स थ्योरम क्या होता है बताएंगे, आइलर्स थ्योरम क्या होता है, आइलर भैया ने क्या कहा था, है ना, आइलर भैया ने क्या कहा था, और इनके थ्योरम का जो प्रूफ होगा वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? आज इनका प्रूफ देखते हैं, इन्होंने क्या कहा था, स्टेटमेंट देखते हैं और प्रूफ देखते हैं इनके स्टेटमेंट का, ठीक है ना? ठीक है, उससे पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि होमोजेनियस फंक्शन बताया था हमने आपको, इनमें होमोजेनियस फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। एक बार ध्यान दीजिए कि आइलर जो भी हैं, आइलर जो थ्योरम दिए हैं, थ्योरम ओनली फॉर होमोजेनियस के लिए है ना? अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है तो उसके लिए ये काम आता है, ठीक है ना? होमोजेनियस होने का मतलब हमने क्या कहा था कि कोई फंक्शन हो जिसका न्यूमरेटर के जितने भी वेरिएबल्स हैं, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया था, आपको रिकॉल करवा देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सपोज ये है, ठीक है ना? कोई फंक्शन u है, u इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया तो हमने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर में जितने वेरिएबल सबके अगर पावर सेम है और डिनोमिनेटर में जितने भी हैं सबके पावर सेम है, अगर इस तरह का कोई फंक्शन मिलता है तो वो फंक्शन जो होता है उस फंक्शन को कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। क्या कहते हैं भाई? होमोजेनियस फंक्शन। फिर हमने आपको बताया था डिग्री के बारे में, है ना, डिग्री कैसे निकालते हैं, एन डिग्री कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ से अगर फंक्शन आपका एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ जाता है, या ये फंक्शन जो है ये एक्स वाई के फंक्शन है ना, एक्स वाई का फंक्शन है, और अब की बार जो फंक्शन निकालेंगे वो हम निकालेंगे एफ वन प्लस वाई बाई एक्स की बात करते हैं हम, है ना, या यू कह एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में हम निकालेंगे। अगर इस फंक्शन कोई फंक्शन हमारा एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में आता है तो वो फंक्शन उसकी डिग्री हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, कैसे शो करते हैं हम। तो हमने क्या बताया था यहाँ से कि आप इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं भाई, एक्स की पावर 4 जितनी होती है वो उस पूरा कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है ना, अपॉन, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, पावर एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ से जो फंक्शन आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, जो फंक्शन आएगा निकल के वो क्या आएगा, देखिए यहाँ जो फंक्शन निकल के आएगा वो क्या आएगा, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है अपॉन सॉरी ब्रैकेट ये कट जाएंगे आपस में, बचेगा 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे आपस में, देखिए ये कट जाएंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? यानी आपके पास क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा, यहाँ से आप क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से ये पावर दो पावर कट जाएंगी, और आपके पास जो यू आएगा फंक्शन वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ एफ वाई बाई एक्स, फंक्शन जो हमारा है y बाई एक्स का फंक्शन आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दो है ना, दो यही क्या होती है, डिग्री, क्या होती है, डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, और दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने क्या कहा, ये क्या होता है, डिग्री होता है, डिग्री ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन,
ठीक है ना। आयलर ने क्या कहा था वो सुनिए अभी। आयलर ने कहा था कोई फंक्शन आपको यू दिया जाए, कोई फंक्शन आपको यू दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या जो हमने यहाँ पर यू यू हमने लिया है ना, यू हमने क्या फंक्शन लिया है, एक्स की पावर फोर हमने क्या फंक्शन लिया है भाई, देखिए फंक्शन के लिए हमने यू एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आपको कोई फंक्शन दिया जाता है, कोई फंक्शन आप ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं क्या होमोजेनियस फंक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये था क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं भाई, होमोजेनियस फंक्शन है ना, है ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, वो तो डीवाई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने क्या कहा था, कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं है तो ठीक है, ये एक नॉर्मल एक फंक्शन है ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर जितनी पावर जितनी वेरिएबल सबकी पावर सेम है, कितनी पावर है थ्री है, नीचे कितनी है दो है ठीक है ना, यानी ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। पहली बात तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। फिर उन्होंने क्या कहा था, अगर आप इसका डेल यू बाई डेल एक्स सॉरी एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स निकालें प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, एकदम ध्यान सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि आप अगर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको डेल यू बाई डेल एक्स या डेल यू बाई डेल वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे n u, बस ये कर दें। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको u फंक्शन दिया जाता है जो कि एक तरह का होमोजेनियस फंक्शन रहता है, तो आयलर ने क्या कहा था कि अगर आप x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का निकालते हैं, तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस को डिफरेंशिएट ना करके आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम आएगा। देखिए अभी इनके थ्योरम का हम लोग प्रूफ करेंगे ठीक है ना। एन यू अगर कहने का मतलब कैसे हम करेंगे, जैसे हमारे पास कोई यही फंक्शन दिया गया यू प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास सपोज ये एक दिया गया है फंक्शन ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कह दिया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ यू इक्वल्स टू If u is a homogeneous function, is a homogeneous function, ठीक है, homogeneous function such that u equals to x cube plus y cube upon x square plus y square, ठीक है ना, कोई भी example ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस homogeneous function होना चाहिए ठीक है ना। इसने क्या कहा कि अगर u कोई होमोजेनियस फंक्शन है इस तरह से कि u इक्वल्स टू ये दिया गया, देन प्रूव दैट, देन नहीं देन फाइंड डायरेक्ट कर दे, देन फाइंड x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे कि फ्रॉम आप डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, आयलर को आयलर का जो थ्योरम है वो लगाएंगे है ना, फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, डायरेक्ट आयलर का थ्योरम लगाएंगे, और थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास यू कोई फंक्शन दिया गया हो, पहला कंडीशन क्या है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए ठीक है ना। अगर होमोजीनियस होगा तो उसका जो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, जब उसका एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप उसको एन यू लिख सकते हैं, किस शर्त पर कि u जो है फंक्शन जो है वो क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए ठीक है ना। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, n कितना है, तो n हमने क्या कहा था, n डिग्री होती है, डिग्री होती है ठीक है ना, n इसमें कितने डिग्री है, डिग्री कितनी है भाई, तो देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, फाइंड आउट आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऊपर पावर क्या है थ्री प्लस एक्स की, वहाँ से कॉमन ले लीजिए, डिग्री निकालने के लिए हमने क्या कहा था एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ओके दिखा दे रहे हैं अलग से पेज पर दिखा रहे हैं, यू आपके पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है ना, या यू को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर से ये कट गया एक, तो बचेगा क्या एक्स की पावर वन और एक्स पावर वन एफ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, सॉरी एक्स स्मॉल एक्स है
वाई बाई स्मॉल एक्स है ना, इस फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया ना, तो यू इक्वल्स टू, अगर यू कोई होमोजेनियस फंक्शन है और वो एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में दिया जाता है, तो उसका जो एन होता है वही क्या होता है, डिग्री होती है। तो इनका मतलब यहाँ पर जो इसकी जो डिग्री होगी इस होमोजेनियस फंक्शन की वो कितनी होगी, वन होगी ना। निकालने का तरीका कि ये भी है, ऊपर की पावर, ऊपर सबकी पावर कितनी है, थ्री है, नीचे सबकी पावर कितनी है, टू है, माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, थ्री माइनस टू वन हो जाता है। हमने दोनों तरीके से बता दिया कि अगर किसी को वो वैसे समझ में आए तो वैसे कर ले, ऐसा ना सर ये तो मैथ का रेटाफिकेशन हो गया ना कि थ्री में से टू माइनस कर दो वो आ जाएगा ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलता मैथ में। शॉर्ट ट्रिक कब चलता है, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। फिलहाल आप क्या करें, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या डिग्री निकाला हमने बताया, आप वैसे ना निकाल के यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन की जगह आप क्या रखेंगे भाई, थ्री माइनस टू ऑफ यू, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू यू, या इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, इक्वल्स यू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस वाई। अगर आपको सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर उन्होंने ये बताया था कि अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको प्रूफ करके देखिए कैसा सेम आता है, देख लीजिएगा सेम यही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इनके इन्होंने जो थ्योरम दिया था ना उस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। देखिए इनके थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या है इनका, ये कोई फंक्शन यू हो एक्स की पावर एन ऑफ एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में, ध्यान सुनिएगा, कोई आपके पास फंक्शन दिया गया हो यू हो, ठीक है ना, एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में दिया गया हो, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है भाई, कि डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ यू, ये प्रूव करना हम लोगों को। चलिए करते हैं, जान रहे हैं हमारे पास क्या क्या चाहिए, पहले वो देख लिया जाता है, तो हमको डेल यू बाई डेल एक्स भी चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई भी चाहिए, और एक्स मल्टीप्लाई वाई से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के देखिए कितना आता है, तो डेल यू बाई डेल एक्स हम निकालेंगे, तो हालांकि लैंग्वेज हम लिख नहीं रहे, लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, किस तरह से डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, सॉरी पार्शियली डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट नहीं, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। देखिए अगर एक्स रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ये देखिए यू इंटू वी के फॉर्म में है ना, तो एक्स की पावर एन कॉन्स्टेंट लेते हैं, और एफ वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स स्मॉल एक्स है, वाई बाई एक्स, और यहाँ देखिए वन बाई एक्स है, और वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इनका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अब की बार इनको कॉन्स्टेंट मान लेंगे, यानी एफ वाई बाई एक्स ये हो गया कॉन्स्टेंट, और एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस डिफरेंशिएट हो गया, कोई दिक्कत, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, ठीक है, एफ डैस वाई बाई एक्स, एक मिनट यहाँ वाई भी आएगा ना, वाई भी आएगा, ठीक है ना, ये वाई भी तो ना, देखिए वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई कॉन्स्टेंट वाई जोड़ा तो वाई जोड़ दें, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, एफ वाई बाई एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमको डेल यू, यहाँ देखिए एक्स का मल्टीप्लीकेशन भी किया गया है, तो हम भी क्या कर देते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन ऑफ एफ डैश वाई बाई एक्स, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एफ वाई बाई एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे कि एक एक्स से ये पावर कट हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स देखिए क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस एक्स की पावर एन, या अपन में एक एक्स बचा हुआ है, यानी एक्स,
ऑफ वाई, यहाँ से एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, प्लस यहाँ से देखिए जब भी दो सेम वेरिएबल हो मल्टीप्लाई में हो तो इनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, इनकी पावर वन है, तो एन माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन बचेगा, यानी एफ ऑफ वाई बाई एक्स इंटू एक्स की पावर, सॉरी एन एक्स की पावर एन, यही बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर सेम वेरिएबल हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है, यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ वाई एक्स की पावर, यहाँ से बचेगा एन माइनस वन, है ना, ऊपर जाएगा इसकी पावर वन है, ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, यानी एक्स पावर एन माइनस वन, और एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है ना, प्लस एफ ऑफ वाई बाई एक्स डॉट एन एक्स की पावर एन, यही बचेगा ना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, सेकंड है ना, चलिए ठीक है सेकंड है। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया, अब हमको क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई भी चाहिए, तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या भाई, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। यू हमारे पास क्या है, दोबारा रूप ना जाना लिख दे रहे हैं, यू बराबर क्या है, एक्स पावर एन ऑफ एफ एक्स बाई वाई, है ना। अगर आप डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट करना चाहें तो, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट करें तो आप पूरा पहले लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाई, सॉरी पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाई बाई कीपिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। अगर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर एन तो कॉन्स्टेंट है, एफ इसका हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, और इसका हो जाएगा सॉरी एक्स बाई वाई नहीं वाई बाई एक्स है, ठीक है ना, वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स है, सॉरी वाई बाई एक्स है, यानी इसका क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा वन बाई एक्स, है ना। देखिए वाई का, वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स तो कॉन्स्टेंट है, और वाई का करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल वाई क्या होता है वन, यानी वन बाई एक्स है, हमने वही लिखा है वन बाई एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ से क्या है वन बाई एक्स, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स, हम यहाँ ले लेते हैं एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ से देखिए अपॉन में है, सेम वेरिएबल है ना, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा और एफ डैश वाई बाई एक्स। अब ध्यान से देखिए हमको डेल यू बाई डेल वाई नहीं, हमको चाहिए वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा वाई एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देते हैं, इससे क्या होगा, क्यों ऐड कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, दिखाते हैं, देखिए इक्वेशन सेकेंड वो है और इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, ठीक है ना, यहाँ देखिए माइनस वाई एक्स एन की एक्स पावर एन माइनस वन एफ डेस वाई बाई एक्स है, यहाँ प्लस का वाई एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डेस वाई बाई एक्स है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना बचेगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, चल लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाई एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स, और प्लस में क्या है वहाँ पर देखिए प्लस में है एन एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स, एफ अब देखिए एफ वाई बाई एक्स, और प्लस इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे यानी वाई एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे आप तो ये और ये आपस में कट हो जाएंगे, माइनस का है प्लस का है, यानी जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वो प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना आएगा एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, u इक्वल्स टू एक्स की पावर एन ऑफ एफ
वाई बाई एक्स, हमने यही यू यू लिया था ना। यहाँ से देखिए एक्स पावर एन एफ वाई बाई एक्स क्या है, यू है, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लास्ट एंड फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। क्या यही हमें प्रूव करना था? आयलर ने यही दिया था, आयलर ने सेम यही दिया था ना। देखिए रिपीट कर दे रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी में, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, हमने इनके प्रूफ, इन्होंने जो थ्योरम दिया था उस थ्योरम का हमने क्या किया, प्रूफ दिया, थ्योरम का क्या किया हमने, प्रूफ क्या किया। और थ्योरम क्या था इनका कि अगर कोई यू आपको होमोजीनियस फंक्शन इस तरह से दिया जाए, एन इसकी डिग्री होगी, एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स है ना, तो हमें सो क्या करना था, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ये थ्योरम था, थ्योरम ठीक है ना, यू इक्वल्स टू एक्स पावर एन एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो, तो हमें शो करना था क्या कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू होना चाहिए, होगा मतलब ये डायरेक्ट अगर प्रूफ करना है तो डायरेक्ट उसकी डिग्री लिखकर और यू का यू लिख देना है, वो फंक्शन लिख देना है, वही आपकी क्या होगा, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, हमें क्या क्या जरूरत था, डेल यू बाई डेल एक्स की जरूरत थी, डेल यू बाई डेल वाई की जरूरत थी, और इनको एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने वही कर दिया, देखिए यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये क्वेश्चन फर्स्ट निकल के आया है, फिर हमने क्या किया y से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास y निकल के आया है, फिर हमने क्या किया दोनों का ऐड कर दिया है, दोनों का ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा और बचेगा एन एक्स की पावर एन वाई एफ वाई बाई एक्स, और यही इतना ना n के अलावा जो भी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, u के वैल्यू है, तो u यहाँ रख देंगे एन यू, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है कि नहीं, एक मिनट क्लियर है कि नहीं ये बताए पहले, क्लियर ना भाई, चलिए सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं ना, बहुत सिंपल सा था। अब देखिए इसी का के एक और बात कहते हैं, आयलर ने क्या कहा था, इतना देने के बाद उन्होंने एक और बात कहा था कि अगर अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जा रहा है, मतलब हमने जो ये थ्योरम दिया था इसी का उन्होंने क्या किया सेकंड पार्ट कर दिया था, और सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसको दो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं तो उन्होंने थ्योरम दिया था एक्स स्क्वायर डेल डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, अगर इस फॉर्म में अगर आता है अगर, या फिर इस फॉर्म में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा n n माइनस वन ऑफ u, ठीक है ना। देखिए इनका सेकंड पार्ट है, आयलर ने ये दो आपको थ्योरम दिए थे, पहला इन्होंने ये दिया था सिंपल, दूसरा क्या दिया था कि अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं एक डेरिवेशन के लिए, एक बार डेरिवेशन एक बार डेरिवेट करते हैं इसको, तो अगर ये इस फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट आप n u कर देंगे, अगर सेकंड बार डिफरेंशिएट करेगा और ये फंक्शन आपको पूछेगा तो डायरेक्ट आप n ऑफ n माइनस वन इंटू यू करेंगे, समझ में आया। अब इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान है, देखिए बताते हैं, फंक्शन देखते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, डेल यू बाई सॉरी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब हम इसको फंक्शन नहीं सॉरी ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ दिया गया है, अब हम क्या करना है इसमें आयलर लगाना सॉरी हम क्या करना है आयलर का जो सेकंड वाला थ्योरम उसको प्रूफ करना है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स y एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यानी यहाँ से क्या बचेगा, ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x को हमने बाहर लिया और यहाँ से बचा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा प्लस, अब डेल u बाई डेल एक्स को हम बाहर लेते हैं, u इंटू वी फॉर्म लगा रहे हैं ठीक है ना, और x का होता है वन, ये तो हो गया इनका, ये तो हो गया इनका डिफ्रेंशिएशन, अब इनकी बारी, y एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है ना, और यहाँ से क्या बचेगा डेल टू यू बाई डेल वाई पहले से है, डेल एक्स आपको करना था एंड डेल एक्स डेल वाई, ये समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है, देखिए कैसे किया हमने कि डेल वाई
बाई सॉरी डेल यू बाई डेल वाई था आपके पास वाई, आपको क्या करना था, आपको करना था डेल यू बाई डेल एक्स करना था, सॉरी डेल यू ने आपको डिफ्रेंशिएट करना था, पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। तो यहाँ सब क्या होगा, वाई कॉन्स्टेंट है बाहर, हमने वाई ले लिया, डेल डेल हो गया डेल स्क्वायर, यू का यू है, अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मल्टीप्लाई आपस में होंगे नहीं, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या बचा डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना बचेगा, एन जो कॉन्स्टेंट है, यू का क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा ना। यानी यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्स डेल टू यू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स। देखिए एकदम साथ साथ क्लियर करते जाइएगा, साथ साथ उतारते जाइएगा, ठीक है ना। साथ साथ उतारेंगे तो क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगी, है ना। और देखिए हमें देखिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए हमको ना, हमको देखिए जब हम प्रूव करना है यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर हमको लाना है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर तो आ गया, हम एक्स स्क्वायर लेकर आना है, क्या दिक्कत है, हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई यानी एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ भी करेंगे तो एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा है, सिंपल है, एलजेब्रा की तरह हमको बस करते जाना है। अब देखिए यहाँ से एक्स का एक टर्म ये है, एक्स का एक टर्म ये है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ क्या बचेगा एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ये यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, इसका मतलब जो फाइनल आपके पास इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचा एन, यहाँ से बचा वन, एन माइनस वन, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दे देते हैं सेकंड, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं, इसको हम सेकंड देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन था इक्वेशन, ये फंक्शन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था ये, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाई, एक्स से कर दिया हमने ना, अब हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए भाई फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। देखिए हम बार बार इसे लिख रहे हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, आप नोटबुक में बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाई बाई कीपिंग द एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एकदम रट लो ये लाइन, ठीक है ना। तो देखिए इस ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, इसको हम क्या करें डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाई एज कीपिंग एज सॉरी कीपिंग द एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। यानी यहाँ से देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या बचा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस यहाँ से क्या बचा वाई, यहाँ देखिए यहाँ यू इंटू वी लगेगा, है ना, यू इंटू वी लगेगा, इसका मतलब क्या वाई आपने एज ए कॉन्स्टेंट लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ बचा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस इस बार आपने क्या किया डेल यू बाई डेल वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे और वाई का करेंगे तो कितना आएगा वाई स्क्वायर, सॉरी वाई करेंगे तो वाई आएगा ना, वाई करेंगे तो वाई आएगा, है ना, वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई आएगा इक्वल्स टू एंड एज ए कॉन्स्टेंट है यू का करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना। सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा वाई ऑफ डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है,
उसमें एक्स स्क्वायर के साथ साथ वाई स्क्वायर का भी मल्टीप्लीकेशन है। देखिए वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को सॉरी वाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, देखिए अभी पता चलेगा। एक्स वाई डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई यहाँ से बचेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा, देखिए वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा जो हमें टर्म चाहिए, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वाई ऑफ डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई डेल यू बाय डेल वाई, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद आपने क्या किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, और वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ये टर्म और एक ये टर्म सेम है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइनल इक्वेशन निकालते हैं, एक्स वाई डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डेल टू यू बाई, यहाँ डेल टू यू है ठीक है, डेल टू यू है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई एंड डेल वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, इसको उधर ले जाते हैं राइट साइड, तो ये बचेगा एन वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस ऑफ वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है वाई डेल यू बाई डेल वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है आपका एन माइनस वन, यही बच रहा है ना। और इधर क्या बच रहा है, एक्स वाई ऑफ डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब जब आपको इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड आ ही गया है, जिसमें डेल स्क्वायर डेल टू यू की वैल्यू आ गई है, और यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये लिख रहा है हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना, प्लस नहीं इक्वल है वहाँ, इक्वल कितना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स एन माइनस वन, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा। देखिए एक ये वैल्यू दोनों सेम है ना, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे यानी टू एक्स वाई हो जाएगा, टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ से देखिए क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एन माइनस वन दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, है ना, क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, है ना। और आपने जो फंक्शन लिया था इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ से आपने क्या देखा था, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स ऑफ u, जो इन्होंने आयलर ने अपने पहले इक्वेशन में क्या कहा था, पहले थ्योरम में, तो हम वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन माइनस वन, यहाँ बचा है एन यू, इसकी वैल्यू क्या है, एन यू है, ठीक है ना, ठीक है। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ऑफ डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इजक्वल्स टू एन एन माइनस प्लस टू एन एन माइनस वन एंड यू, ठीक है ना, एन एन माइनस वन एंड एंड यू, ये प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एन एन माइनस वन ऑफ यू, ये प्रूव करना था और ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम पूछता है आयलर्स थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ पूछता है, ये प्रूफ इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एग्जांपल्स आपको बता दिया जाएगा, एग्जांपल आपको बता देंगे और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा पूरा सेम ऐसे जैसे हमने करवाया है, तो ठीक है। तो आप नोटबुक पेन लेके बैठे रहिए और ये जो समझाया गया है फिर से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फिर से रिपीट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो है बहुत आसान लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा है तो आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है ना। है एकदम आसान, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है, किस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। बस इतना इनका थ्योरम का प्रूफ था, यही इनका थ्योरम है, आयलर का यही दो थ्योरम थे और दोनों के यही प्रूफ थे, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग आई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आई ना, ठीक है। फिर ये थ्योरम इतना ही था, एग्जाम्पल्स वगैरह इस पर जो भी रहेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो हम आपको कल वाली क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो आज क्लास अभी यहीं ओवर करते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर जितने भी लोग आए हैं सब लोग भाई अटेंडेंस लगा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल से, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।